Hello everybody, welcome at Abhimanyu IAS, the leader in the preparation for the UPSC and State Civil Service examinations, which has produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years. Mera naam Dr. H.S. Sidhu hai. Main Abhimanyu IAS mein Indian Economy and International Relations teach karta hoon. I have been mentoring civil service aspirants for more than 15 years and I have authored many books also for the UPSC and State Civil Services Exam Preparation. अभी हमने अभिमन्यु IAS में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं इंडियन इकॉनमी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेता हूँ. बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑन टूडेज कॉन्सेप्ट टॉपिक, लेट मी शेयर एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद यू. एट अभिमन्यु IAS वी आर कमेंसिंग फ्रेश बैचेस फॉर द UPSC एंड स्टेट सिविल सर्विसेज preliminary and main examination targeting 2023 and 24. These courses will be available through offline and online mode. Agar kisi ne particularly specifically mera Indian economy ka module join karna ho, to I am giving 7 days free trial class also. If you want to join the class, you may click on the link given in the description. So let us start the discussion on today's topic. मैं जो आज topic ले रहा हूँ discussion के लिए, that is opportunity cost. So इस topic में हम discuss करेंगे कि opportunity cost क्या है, opportunity cost का क्या use है. So this is what we are going to discuss in this brief lecture today. So मैं एक example के साथ start करना चाहूँगा. लेट सपोज मेरे पास 3000 rupees है एंड 3000 rupees है एंड इस 3000 rupees को मैं कैसे स्पेंड कर सकता हूँ. आई एम हैविंग टू ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, राइट. एक ऑप्शन है दैट आई कैन बाय ए पेयर ऑफ शूज बाय स्पेंडिंग दिस अमाउंट ऑफ रुपीज 3000 एंड द सेकेंड ऑप्शन इज दैट I can deposit this money in some bank and earn interest at the rate of 10% over there. Okay. So it means agar main isko you can say bank mein invest karunga to 3000 ke upar at the rate of 10% mujhe 300 rupaya interest milega ya main shoes purchase kar sakta hu, right. Let's suppose I prefer to purchase shoes over this option. Okay. So agar main शूज परचेज करता हूँ तो बैंक में 3000 rupees डिपॉजिट करवा के जो मुझे 300 rupees की इनकम होनी थी वो मुझे नहीं मिल पाएगी. सो दैट मीन्स रुपीज़ 300, राइट, विच वॉज द इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज़ 3000, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शूज. इट मीन्स मेरे पास दो ऑप्शंस थी. मैंने एक ऑप्शन पिक की दूसरी ऑप्शन के बदले, राइट. सो जब मैं एक ऑप्शन को पिक करता हूँ तो मुझे दूसरी ऑप्शन का सेक्रीफाइस करना होता है, मैं उसको नहीं पिकअप कर सकता एंड दैट इज़ वाई वो दूसरी ऑप्शन से जो मुझे गेन होना था वो मेरी पहली ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. लेट सपोज मेरे पास एक घंटा वक्त है, उस घंटे को मैं यू कैन से कहीं वर्क करने में भी स्पेंड कर सकता हूँ. सो आई कैन दैट वन आवर ओके इन सम वर्क आल्सो जहाँ से मुझे 200 rupees की इनकम होगी और अदरवाइज आई कैन स्पेंड दैट आवर फॉर सम पार्टी विद माय फ्रेंड्स जहाँ पर मुझे 300 rupees का एक्सपेंडिचर करना होगा. ओके. सो दैट मीन्स अगर मैं वर्क के बजाय पार्टी को प्रेफर करता हूँ तो मुझे कितनी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी. 200 rupees ये जो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा है जो मुझे इनकम होने वाली थी काम करके एंड 300 rupees ये जो मैंने टोटली स्पेंड कर दिया है पार्टी के ऊपर. सो मेरी जो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट विल बी ₹200 प्लस ₹300 दैट इज़ ₹500. ओके. सो ये भी क्या हुआ कि इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के इस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करने के लिए मुझे जो टोटल सेक्रीफाइस करना पड़ा है दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ
this particular option. Okay, so now what is opportunity cost? अगर हमने इसको define करना हो, so opportunity cost is the potential benefit that an individual firm or investor misses while choosing one alternative over the other. जब कोई individual firm या कोई investor एक अल्टरनेटिव को प्रेफर करता है दूसरे अल्टरनेटिव के बजाय, तो जो दूसरे अल्टरनेटिव से उसको पोटेंशियल बेनिफिट होना था उसको वो मिस करना पड़ता है, उसका सैक्रिफाइस करना होता है, और वही दूसरे अल्टरनेटिव की जो हमने चूज़ किया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है. ओके, सो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इट मे कम इन द फॉर्म ऑफ मनी, मे कम इन द फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन, मे कम इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर, और मे कम इन द फॉर्म ऑफ समथिंग एल्स. क्योंकि गवर्नमेंट के लिए वेलफेयर इम्पॉर्टेंट है, एक इंडिविजुअल के लिए सेटिस्फैक्शन मनी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एंड एक फर्म के लिए प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट रहेगा. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होती है? बिकॉज वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ स्केर्सिटी. Therefore, every decision or every choice has a lost opportunity. Because हम scarcity के world में रहते हैं, जहाँ पर हमारी जो demands हैं, जो हमारी wants हैं, those are, you can say, like unlimited, you can say. But the resources which we allocate for the fulfillment of those wants, those are always limited or always scarce. So that is why एक ही रिसोर्स को हम एक टाइम पे सभी वांट्स की फुलफिलमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते. अगर हम एक वांट की फुलफिलमेंट के लिए जाते हैं तो हमें किसी दूसरी वांट का सेक्रीफाइस करना होता है. सो दिस इज़ द रीज़न दैट वाई द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकर्स. ओके, द वैल्यू ऑफ दैट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ बीन चूजन. ओके, जो जिस अपॉर्चुनिटी का मैंने सेक्रीफाइस किया है उस अपॉर्चुनिटी की जो वैल्यू है वो उस अपॉर्चुनिटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है जिस अपॉर्चुनिटी को मैंने चूज़ किया है. द सेम चॉइस मे हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट डिफरेंट टाइम्स एंड फॉर डिफरेंट पीपल. ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये ऑलवेज सेम नहीं रहती, ये वेरिएबल होती है, बिकॉज ये टाइम के साथ चेंज हो जाती है. क्योंकि टाइम के साथ आपकी प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं, एंड ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, बिकॉज हर पर्सन के लिए सभी वांट्स एक जैसी इम्पॉर्टेंट नहीं होती. सो दैट इज़ व्हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट इज़ ए notional cost which do not pay out of the pocket, but it is considered for various economic decisions. दूसरी explicit cost होती है, that is that cost which we pay out of the pocket. Okay, so that is known as the explicit cost. जैसे हम human resources को wages and salaries देते हैं, so that is the explicit cost. लेकिन ये implicit cost है which you don't pay out of the pocket, but you consider it for various economic decisions. Okay, so that is there. And importance of knowing opportunity cost. First importance is that it helps in making quality and well informed decisions, right? Agar mujhe opportunity cost ki koi samajh nahi hogi to main apne rational decision nahi le paunga, because main usually ye manta hu कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ रैशनल बीइंग्स. ठीक, रैशनल बीइंग वो होता है जो हमेशा अपने आप को, इकोनॉमिक्स की टर्म में अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमाइज करने की कोशिश में रहता है. एक इंडिविजुअल अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करता है. एक फर्म अपने आप को प्रॉफिट की टर्म्स में मैक्सिमाइज करती है, और एक गवर्नमेंट है जो वो वेलफेयर की टर्म्स में मैक्सिमाइज करती है. बिकॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स. सो दैट इज़ व्हाई
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो हमें वेल इन्फॉर्म्ड एंड क्वालिटी डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. दैट इज़ वाई वी वुड बी एबल टू चूज बिटवीन द टू ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट विच ऑप्शन बिटवीन ए एंड बी इज इकोनॉमिकली बेटर फॉर अस. इट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज because available resources are very scarce, limited always, and we have to pay the cost for those resources in any way. So that is why the endeavor remains to make the optimum utilization of whatever the resources are available with us. So optimum utilization kab hoti hai? Jab hum un resources se maximum गेन ले पाते हैं. सो मैक्सिमम गेन ले पाने में हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प करती है, राइट. एंड नेक्स्ट इट हेल्प्स एवरी इंडिविजुअल फर्म एंड गवर्नमेंट टू अटेन द मैक्सिमाइजेशन बाय टेकिंग रैशनल डिसीजंस. जो मैंने अभी बात की है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रैशनल बीइंग्स, जहाँ इंडिविजुअल्स इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन करती है. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस. आई होप दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू. इन केस यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन एर क्वेरी, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स इन दिस वीडियो. सो आई विल डेफिनेटली आंसर यूर क्वेरीज एंड डाउट्स ऑल्सो. सो वेरी सून आई विल See you with a new topic. So thank you very much for today and all the best. Stay happy, stay healthy, take the best care of yourself and make the best and optimum utilization of the time which is available with you. So thank you very much again.